गोरखपुर परिक्षेत्र के नवागत एडीजी अखिल कुमार के नेतृत्व में रविवार को नारी शक्ति के द्वारा जल शक्ति रामगढ़ताल नौकायान के आसपास श्रमदान कर अपने सहयोगी अधिकारियों तथा 108 महिला रिक्रूट जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने का कार्यभार ग्रहण करने के प्रथम दिन स्वच्छता अभियान चलाकर शुरुआत की। इस दौरान डीआईजी राजेश मोदक डी राव, एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ कैंपियरगंज राहुल भाटी, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, निरीक्षक उमेश दुबे, आरडीसी प्रभारी अजय कुमार मौर्य, चौकी प्रभारी अंजनी कुमार यादव सहित आरटीसी व लाइन के अन्य स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी अखिल कुमार ने कहा, ये भी है ना, गोरखपुर के आसपास भी हो सकते हैं। ये एंगल सही रहेगा। हाँ, यहाँ तो क्लीन है, हम उसके बीच में खड़े होते हैं। अभी कर लेते हैं, लड़कों को तो बुलाएंगे, जो इनको बाइक लेते हैं, हम काम करते रहे, उसके बाद फिर से चलेंगे। थोड़ा मैं आपसे बात भी करूँगा, ठीक है ना, उसके बाद चलेंगे। आप सामने ये कैप्चर कर लो ताकि पीछे फ्लैग के फोटो ये ठीक है। ना ऐसे कैसे आएंगे, सब लोग डाउन कर लेंगे। आप लोग सब 5 to 10 seconds देंगे, आप जब डाउन करेंगे आप फोटो ले लीजिएगा ताकि आप कवर कर लेंगे। ऑफिसर्स जो हैं बीच बीच में खड़े हो जाइए। आप लोग सब एक बार ले लीजिए फोटो, उसके बाद चेंज कर लेंगे। सर आईडी साहब थोड़ा सा ठीक तो है, क्या बोले, आईडी साहब थोड़ा आ गए एकदम आ रहा है लगा था। तो मेरे टाइम हुआ सर आप लोग जाइए, मैं इनको एड्रेस कर रहा हूँ। करके हम जो हमारी महिला आरक्षीगण है, जो ट्रेनी रिक्रूट्स हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, ये हम आपको मालूम है किया था, और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जल जीवन मिशन भी चल रहा है। जल ही जीवन है, क्योंकि मैं जल संसाधन मंत्रालय से भी आया हूं, तो मुझे मालूम है कि जल की क्या महत्ता है। और ये ताल जो है गोरखपुर की शान है, और इतने अच्छे ढंग से इतना बड़ा ताल मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। एक शहर के बीचों से संवाद करें और जनता के बीच में, आपका काम हमारा काम सिर्फ नहीं कि लॉ इन्फोर्सर्स की तरह काम करना, हम एक मैसेंजर के रूप में काम कर सकते हैं। जहाँ जनता हमें देखती है, हमको आइडियल के रूप में देखती है, और उसके अंदर हम अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हम आपके अलग मिशन में करेंगे, कहीं स्टडी मूवमेंट होगा, कहीं ट्रैफिक होगा, कहीं अदर इश्यूज होंगे, जहाँ से हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने वहाँ से यहाँ आए, आपने देखा होगा तो वैलेंटाइन डे में मनाया जाता है गोरखपुर के लिए, आई लव गोरखपुर, हम भी गोरखपुर को प्यार करते हैं। और आज ही के दिन में पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा शहीदों के लिए भी ये हमारा एक तरह से श्रद्धांजलि है। आइए इस काम को पूरे श्रद्धा और लगन से करें। चलो,
कागज वाले दे ना काफी चौड़ी हो जाएगी काला पानी पानी के साथ कुछ ले लो ताकि मेरे पास लोग हो गया इधर बेटा आओ चले इधर मार दीजिए बना पतीला टाइप का जाना है हल्का हल्का लगेगा लग रहा है पॉलिथिन निकालना ऐसे किसको देखिए ये शुरुआत हमने की है आज गोरखपुर में दो तीन जो मिशन है उनको एक साथ से इंटीग्रेटेड वे में आगे बढ़ाने का सबसे बड़ी ज़रूरी है कि पुलिस और जनता के बीच में संवाद बढ़े उसलिए ज़रूरी है कि पुलिस सिविक एक्शंस भी साथ में करें और इसी के क्रम में हम लोग एक शुरुआत करने वाले हैं मैं मैसेज देना चाह रहा हूं अपने फोर्स को कि हम लोग श्रमदान का कार्यक्रम आयोजन करें जहां हम सिविक एक्शंस को साथ मिल लें आज जो हमने मिशन किया है जो गोरखपुर की जो रामगढ़ ताल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ताल है यहाँ का यहाँ की जो वाटर बॉडीज़ है हमारी जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है जिसको राज्य सरकार बहुत ही प्रभावी ढंग से कर रहे हैं और जो स्वच्छ भारत मिशन है उस दोनों मिशन को इंटीग्रेट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जो इसके हमारे जिनके लीडरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं उसको हम इंटीग्रेट किए हैं दिन मुंडे सिविक एक्शन पुलिस का है नारी शक्ति और इस कार्य में हमने नारी शक्ति का प्रयोग किया आपने देखा होगा कि हमारी जो ट्रेनिंग रिक्रूट्स हैं हमारी महिला जो आरक्षी हैं उनकी पूरा दल यहां उपलब्ध है और नारी शक्ति और जल शक्ति को हम मिलाकर इस अभियान को शुरू कर रहे हैं और इससे हम ये आह्वान कर रहे हैं ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम जनरेट करना चाह रहे हैं गोरखपुर की जनता में अभी आ रहा था और हमने देखा कि रास्ते में डस्टबिन्स लगे हैं लेकिन उसके बावजूद लोग चीज़ों को खा रहे हैं रैप्स कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं पॉलीथीन खाने पीने के रैप्स आपको पान पराग के टुकड़े ये उठा के फेंके आपने भी देखा होगा चारों तरफ फैला हुआ है तो
तो हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम गोरखपुर के जनता के साथ करना चाहते हैं कि वो आए और इस मुहिम में जुड़े। आपका शहर है, हमें अपना शहर स्वयं स्वच्छ रखना है, अपनी जल वाटर बॉडीज को स्वयं स्वच्छ रखना है। जल है तो जीवन है, अगर वाटर पोल्यूट हो गया तो हमारी आगे वाली जीवन और हमारी आगे वाला जो जनरेशन है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इसका उद्धार हुआ है, उसमें हम कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, जहाँ पुलिस एक अवेयरनेस प्रोग्राम में आई है और जिसमें हमने नारी शक्ति और जल शक्ति दोनों का शुरुआत किया, इस तरह के अभियान हम और करते रहेंगे। हम वी विल क्रिएट ए फेसबुक पेज फॉर दिस और हम अलग अलग जगहों पर ये समय समय पे ये मूवमेंट्स करते रहेंगे और लोगों को और नागरिकों को भी हम आह्वान करेंगे कि वो आए और हमारे साथ जुड़े। ये कोई हमारा नहीं है, हमारा पर्पस ये है कि जन सामान्य भी हमारे इस मूवमेंट में जुड़े और जिनको लगता है कुछ सुझाव कि साहब हमारे यहाँ इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और किसी चीज़ पर कार्यक्रम होना चाहिए, वो हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास जो भी दल बल है, सामान है, हम उनके साथ आएंगे और जनसाधारण में इस मैसेज को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें और हम अपने एरिया को स्वच्छ रखें, अपने जल वाटर बॉडीज़ को स्वच्छ रखें, यही मैं अनुरोध करता हूँ। इसी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम आज सुबह की जा रही है। अब इसके बाद हम लोग ये कार्यक्रम अभी बीच में हमने यहाँ रुके हैं, फिर वी विल गो बैक और ठीक से हम पूरे कार्यक्रम को ठीक से समापन करेंगे। इसके थैंक यू वेरी मच।